चले जी। जी वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। वो लाइनें क्लियर कर लेंगे जो पहले हुई हैं कि वो एक आवाज़ निकालेगा, वो साउंड की जो बात कर रहे थे, एक आवाज़ निकालेगा और वो मर जाएगा। और दूसरा फिक्रा ये था कि समंदर की बलाएं यहाँ ही पैदा होती हैं और यहाँ ही खेलती हैं और यहाँ ही पड़ी रहती हैं, सी मॉन्स्टर्स के बारे में। पेज क्या है? पेज 2010 9 10 आ गया है। नो ब्लड, खून नहीं निकल रहा, ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, खून नहीं निकल रहा, ओनली वाटर, सिर्फ पानी निकल रहा है। हाउ डू आई नो ही इज डेड, मुझे पता कैसे लगा कि ये मर गया है? जस्ट वेट फॉर मिनट। बंद है, स्टॉप कर दो, उसको ऑन कर दो ना, वो जहाँ हाँ। वीडियो बना हुआ है, ये तो पिक्चर है, ये हाँ। अच्छा जा, ऊपर आ रहा है, अच्छा वो जी। नो ब्लड, कोई वाटर नहीं है, कोई पानी, अच्छा मैंने कहा कोई पानी नहीं है, कहती हाँ कोई पानी नहीं, कोई खून नहीं है, कोई खून नहीं है। हाउ डू आई नो ही इज डेड, मुझे कैसे पता लगा वो मर गया है? 210 पेज पर है। श्योरली श्योरली स्टैब वो खंजर मारता है, देयर दैट्स हार्ड एनफ, ये तो बड़ा सख्त है, हैक हिज थ्रॉट, इसका गला काटो, कट इट, इसको काटो, नहीं हैक मैंने काटो, यानी उसकी बॉडी ज़्यादा अकड़ी पड़ी है ना, तो वो कहता है ये तो बड़ा सख्त है, तो इसका गला काटो, कट इट, इसको काटो, हार्ड टू डिसाइड कि वो मरा है या नहीं। ये कह रहा है कि वो बॉडी को मारा ना, बॉडी को, तो कह रहा बॉडी सख्त है, इसके गले को, गला नरम होता है तो गले को काटो, ये वो जो लिखा है ना आपका गलत लिखा है, जाहिर है गला बॉडी से तो नरम ही है ना, या फिर ज़िबा किए जाते जानवर तो कहाँ से ज़िबा करते हैं, बकरे को, गाय को, भैंस को कहाँ ज़िबा करते हैं, टांग से ज़िबा करते हैं, गले से ज़िबा करते हैं।
सर अगर किसी और जगह पे मारेंगे देखें ये जो पैराफ्रेजिंग करने वाले होते हैं ना ये कुछ स्टूडेंट टाइप ही होते हैं हाँ वो जो रियल नहीं होते बंदे उनके पास टाइम नहीं होता कि पैराफ्रेजिंग करते रहें तो ये कोई प्रोफेसर टाइप नहीं होते ये किताबें लिख रहे हैं किताब